अरे पंचे को चलना है कुश्ती होगा। लड़ते हो सारे को सारे पलटन चलो, आज राष्ट्रीय छग्रु अखाड़ा पर कुश्ती होगा। सारे पलटन से खेलेंगे।
बाबा राजन आपको तो मैं ये देश ही दिया हूँ बाबा, बैठ की थोड़ी रमाइये जमल पाक की पास। लेकिन आज राजा झगड़ू का यार खरा की पास 1500 पलटन लेकर मैं कुश्ती लड़ता हूँ। आप या राजा झगड़ू का खरा की पास आ गए हैं। अरे हम लोग तो वहाँ धुनी रमा रहे थे, थोड़ा सा हमें आलस आ गया। जब ताली को आवाज सुना मेरे चेला, वो हमें छोड़कर यहाँ तक आ गया। मैं कहता हूँ कि मेरा चेला संहारण दास है कहाँ, मेरा चेला पछारण है कहाँ। मैं इधर उधर देखा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लंबी दंडवत कर रहा है। क्या आपकी चेला हमारे ताली की आवाज सुनकर अखाड़ा पर भाग निकला, तो क्या आपकी चेला की इरादा क्या है, पूछ लीजिए अपने चेला से। गुरु सुभारण दास चेला पछारण जाइए या झगड़ू महाराज से बात कीजिए, थोड़ा उनको भी कुश्ती खिला दे। क्यों नहीं राजन कहिए बाबा। देखिए हमारा चेला को दिल में यह उत्सव है। क्या है? कि राजा झगड़ू कागा सिंह अपने अड़खाड़ा पर अच्छा दिल लड़ रहा है। तो मेरा भी दिल में तमाना है कि राजन को साथ मैं भी उस अड़खाड़ा पर खेलूंगा। बाबा खेलेगा कुश्ती खेलेगा, पहले सलामी लो। ही आया था तो इसलिए हमें चेला का विचार है, थोड़ा कुश्ती मैं भी लड़ लूं। ठीक है मैं उसको गुरु महाराज से पूछता हूं, क्या आपकी चेला
कुश्ती खेलना चाहते हैं राजा झगड़ू के साथ? हमारा चेला का इच्छा है कि कुश्ती खेलने के लिए। आप नहीं जानते हैं हमारे बड़े भैया झगड़ू बारह वीर का एक वीर है। मैं जानता हूँ। 1200 पंटल एक तरफ से आता है और हमारे भैया किला एक तरफ से। 1200 पलटन का अपने हाथ की छार से सारे को जमीन गिरा देता है। और आपकी चेला अभी तो 12 बरस की है, वो क्या कुश्ती खेलने की हाल जानेगा? वो बड़े खलीफा से कुश्ती खेलेगा। जाओ अपने चेला से बोलो मैं कुश्ती खिला देता हूँ आपकी चेला को। कागा बोल रहे हैं कि मेरे भैया से नहीं खेलने दूंगा, मैं खिलाऊंगा तेरे। नहीं राजा रे कागा, कहीं गोर हाथ तोड़ दे। झगड़ू महाराज को बोलिए नरमे हाथ से मुझे कुश्ती खिला दे। राजन कहो, मेरे चेला को इरादा है। अच्छा, कि कहीं कागा से खेलूंगा। एक खेल छुटका होता है, छुटका होता है, कहीं हाथ को टूट जाएगा। आप तो सबको खलीफा है। अच्छा, आप हल्का हाथ से खिला दीजिएगा, कहीं जोर लगेगा तो आप सह सकते हैं बाबा। अच्छा ने कहा था अगर योगी राज का दिल में लालच है मैं राजा झगड़ू की साथ कुश्ती लड़ू तो ठीक है, मैं लर्मी कलाई से आपको चला कि मैं कुश्ती लड़ाऊंगा। एक वचन सुन लीजिए राजन, मेरा चेला नया है। अच्छा, आप तो समझने वाले हैं। नहीं, आप 12 वीर का एक वीर है। हाँ हाँ, पल के हाथ खेल ठीक है बाबा। जाओ अपनी चेला की तैयार करो। भैया झगड़ू, क्या बात करते हैं आप? इतना बड़ा खलीफा होकर आप जाते हैं 12 बरस? माई कागा सिंह, तू नहीं जानते हो, अरे बाबा को दिल में लालच है, हो सकता है कहीं चेला भाई कागा से कुश्ती लड़ू तो मुझे पैर तोड़ देगा, अगर हाथ टूट गया तो मेरा बोरा भी। मैं समझ गया ठीक है, हमारे हाँ जाइए भैया, इसमें कागा को कोई विचार नहीं है मेरे भाई। मैंने बार बार चेतावनी दे रहा हूँ भैया। अच्छा, लेकिन कागा की चेतावनी को आप उल्लंघन करते हैं तो मैं अपना जुबान अंदर रखता हूँ। हो मेरे भाई, जाइए, मैं जाता हूँ। योगीराज, आपको दिल में लालच है राजा झगड़ू से मैं कुश्ती लड़ू तो चलो मैदान में आ जाओ। की तरह आप कुश्ती खिला रहे हैं, थोड़ा और शक्ति लगाइए। मैं तो सोचा हूं अभी कुमर कलाई बाबा की है, मैं पूरे अपना पहुंचा की भार नहीं दिया हूं। नहीं, मैं
महाराज। अच्छा थोड़ा और पावर लगा के खिलाइए। धन्य हो बाबा। चलो तैयार हो जाओ, मैं अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हें कुश्ती लड़ाऊं। भैया झगड़ू बोल, बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? योगी राज को चीला बोलता है। अच्छा, कि झगड़ू महाराज थोड़ा और शक्ति लगाइए। मैं लगाऊंगा। महाराज क्या बच्चे की तरह मजाक कर रहे हैं? थोड़ा और शक्ति लगाइए। मजा नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें मजा नहीं आ रहा? नहीं महाराज, थोड़ा और शक्ति लगाइए। तुम चाहते हो राजा झगड़ू अपने बल का पूरा प्रयोग ही कर रहा था, लेकिन ना जाने झगड़ू को बल का बाबा को अंदाजा नहीं आ सका। ठीक है बाबा, आपने ज्यादा झगड़ू का खेल को अंदाजा लगाते हो। तथान तुमने मैया जितना दूध पिलाई थी, दूध पिलाई थी, और सरकार से राजा झगड़ू शेख तुम्हें सार पूरे बल मोगल फारसी में योगी राज बोले, जय है मां भवानी, जय है मां दुर्गा, जय हे मां चूला, तुम्हें दूध का कसम है, आज तुम्हें बेटा या शरीर में अंतिम तट पर पहुंचा हुआ है। लगाकर खिलाइए। चलिए
सुन अखाड़ा पर पिछड़ कर गिर गया है। सेनापति
भी मालूम नहीं होना चाहिए। आप हमारे राज सुन रही, जब तक मैं ना कहूं जब तक आपको यहां से नहीं हिलना है। प्रतीक्षा रहा पश्चिम देश और राज मोहब्बा की रुदला को। सुन लीजिए मेरे वचन को, इसी ढंग से हमें चेला हमें तंग कर दिया था, कहा कि गुरु संहारन रे राज महोबा बहुत नाम सुनते हैं उदल को, थोड़ा उदल से लड़ा दे। कोई बात नहीं है वो हट कर दिया, मैंने गया राज महोबा, कहा कि रुदल से वो यात्रा करने के लिए सोरी में किया था कि हम बहुत जल्दी सोरी जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो समय सुन लो, मैं कहा ये चेला अरे रुदल को नाम 51 किला में चलता है, रुदल से नहीं लड़ाई करो, लेकिन सरासर बात नहीं माना, उदल को चार पटका ऐसे मारा ना चारों नाल से गिर गया। हमने कहा हम तो साधु का जात है, हमें कौन सी खाएगा कौन सी पिएगा कौन रजवाड़ा हम लोग खिलाएगा। इसीलिए तो मैं आपको और आपको चेला को यहाँ रहने के लिए बसुवा दे रहा हूँ। जाइए नवलबाग, अच्छा आप अपना धुनी रवाइए, आप अपने चेला से लिट्टी सेकवाइए, घी खाइए और दूध पीजिए। सुन लीजिए, ओ रसद में थोड़ा कम हो गया है, एक टीन घी भेजा दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ भैया झगड़ू कहो मेरे भाई का रोशन। चलिए सुन रही क्यों नहीं प्रतीक्षा वो उदला को करेंगे। चलो रे भाई शंकर सही हो जाइए। अब बुढ़ाल कहीं काटने का ले देखिए।